तो हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये मेरे घर का एक बहुत फेवरेट जोड़ है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। ये देखिए, ये जोड़ है हरे चीने का जोड़ है और ये मेरे वहाँ दो बार बाजी में उड़ चुके हैं और इनके बच्चे भी हमने निकाल लिए हैं उड़ाने के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये जोड़ है और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं मेरे घर के, तो इसीलिए हमने इनको रोक लिया। इनके बच्चे उड़ा रहे हैं और अभी भी ये बच्चे पे हैं, अंडे हैं सॉरी इनके, और वो हमने दूसरे के नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे उड़े कबूतर हैं मेरे घर के। आप लोगों को सोचा कि आप लोगों को भी शौक करा देते हैं इस जोड़ का, तो चलिए एक एक करके दोनों का शौक कराते हैं, नर और मादा का। ये देखिए, ये मादा है और ये नर है और इनके बच्चे भी हमने तैयार कर लिए हैं, वो भी पर खींच दिए हैं, तैयारी पर हैं। बचपन में तो काफ़ी अच्छे उड़े हैं, तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे उड़ते हैं, उनको उड़ाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो चलिए पहले इनका शौक कराते हैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को। तो ये देखिए गाइस, पहले आप लोगों को नर का शौक करा देते हैं। ये देखिए, चीना कबूतर है सफ़ेद आँख में और माशाल्लाह ये कबूतर मेरे वहाँ दो बार बाजी में उड़ चुका है और इसके बच्चे भी इंशाल्लाह इस बार उड़ेंगे, वो भी तैयारी पर हैं। ये देखिए, वाइट आइस का कबूतर है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कबूतर है जो आपके वहाँ काफ़ी अच्छा उड़ रहा है तो आप लोग उसको रोक लें और जोड़ों पे डाल दें, क्योंकि ऐसे कबूतर बहुत कम ही मिलते हैं। उनका जोड़ लगा के उनसे बच्चे निकलवा के उनको उड़ाएं। ये देखिए, ये कबूतर है, चीना कबूतर है, सफ़ेद आँख में कबूतर है और इसकी मादा भी ऐसे ही, बस ये वो थोड़ा गर्रे में है, तो अभी आपको उसका भी शौक कराएंगे। पहले इस नर का शौक करा देते हैं। ये देखिए, ये आँख है, सफ़ेद आँख का नर है और ये देखिए लाल जर्रात लिए हुए सफ़ेद पलकों में। ये देखिए, ये कबूतर है, सफ़ेद फूल लिए गर्दन पर और ये चीज़ देखिए इसकी कितनी प्यारी है। ये देखिए, हल्के हल्के फूल यहाँ भी लिए हुए सफ़ेद कलर के और ग्रीन हरा मतलब साइन मार रहा है, और ये चीज़ खासकर कबूतर में होना चाहिए अगर आपके पास ऐसा कोई चीना कबूतर है। ये देखिए, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लोगों को ये मेरे घर पे पसंद भी आया है। ये देखिए, एक वो, ये देखिए इसके पर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इसके पर, और ये सेफ देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सफ़ेद कलर के फूल लिए हुए, और ये चीने कबूतरों में ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये देखिए, चलिए इसके पर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये इसके पर हैं और पूरे नोकीले पर लिए हुए, और बाकी कुछ पर तो ये देखिए नए आ रहे हैं, देखिए पूरे नोकीले पर लिए हुए। और कबूतर के ऐसे ही पर होने चाहिए क्योंकि काफ़ी कबूतर के गोल हो जाते हैं पर खींचने के बाद। इसके जैसे पर थे वैसे ही हैं, लेकिन इसके पर हम लोगों ने नहीं खींचे हैं, इसको जोड़ों पर डाल रखा है और इसके बच्चे भी काफ़ी अच्छे उड़े हैं। ये देखिए, पर 8वीं और 10वीं ये देखिए बराबर है, नवी कली बड़ी है जो कि एक उड़ने वाले कबूतर में होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा कबूतर है और हड्डी जोड़ का माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, पूरी बंद हड्डी का कबूतर है और कहीं से इसकी हड्डी नहीं खुली है, उसकी मादा की भी हड्डी वैसे ही। अभी आप लोगों को उसका भी शौक कराते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कबूतर है तो आप लोग उसको रोक लें, क्योंकि जब वो कबूतर चला जाता है तब ये कबूतर मेरे घर में कम से कम 5 से 6 साल पुराना कबूतर है और ये काफ़ी अच्छा इसने भी परफॉर्मेंस दिखाया है और इसके बच्चे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये कबूतर है, तो चलिए इसकी मादा का भी आप लोगों को शौक करा देते हैं। ये देखिए चीना कबूतर, ये देखिए दूसरे साइड के पल्ले देख लीजिए, इसके दोनों साइड के पल्ले माशाल्लाह से एक ही, और वाइब्रेशन देखिए कितनी बढ़िया है, और ख़ासकर ये उड़ने वाले कबूतर में होना चाहिए वाइब्रेशन बाजू में। ये देखिए, इसके वाइब्रेशन है पूरे पल्लों में और ये चीज़ होने से काफ़ी अच्छे कबूतर माने जाते हैं। तो चलिए इसकी मादा दिखाते हैं आप लोगों को। मादा है तो इसलिए ये दोनों जोड़ लगा हुआ है और काफ़ी लोगों को ये जोड़ पसंद आया है मेरे घर पे, जिन लोगों ने देखा है सबको पसंद आया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये जोड़ कैसा लगा, और आपके पास भी ऐसे कबूतर हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसके बच्चे निकाल के उड़ाइए। चलिए इसकी आँख दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये इसकी आँख है, सफ़ेद आँख की मादा है और ये देखिए सफ़ेद आँख की मादा है और इसके हल्के से गुलाबी मतलब सफ़ेद पलकों में हैं। और ये रहे इसके पर, ये देखिए इसके पर, और इसके पर में एक बहुत अच्छी खास बात है, वो भी तो इसके पर में एक खास बात है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी नवी कली देखिए, और इसकी नवी कली मतलब 8वीं और 10वीं से काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है। ये देखिए, ये खासकर कबूतर में होना चाहिए क्योंकि कबूतर बहुत अच्छी उड़ान का माना जाता है, और ये चीज़ आप लोग भी देख लीजिए और सीख लीजिए। काफ़ी भाइयों को पता होगी और कुछ भाई जो नए पाले हैं उनको नहीं पता है। और ये देखिए इसके दूसरे साइड का बाजू, इसकी भी नवी कली ये देखिए काफ़ी बड़ी है और इनके बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये भी उड़े हुए कबूतर है मेरे घर पे, ये गर्रे में मादा है और वो जाग चीने में नर है, हरे चीने में। ये देखिए पूरी मादा है और ये देखिए इसकी एक दुम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये इसके दुम है और बंद हड्डी की मादा है, पूरी हड्डी बंद है इसकी।
तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, और जल्दी लखनऊ मार्केट की वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।